क्वेश्चन है कि एक व्यवसाय में ए और बी जो है निवेश करते हैं 14:15 के अनुपात में। वर्ष के अंत में उनके लाभों का अनुपात है 5:2। ए 3 महीने के लिए निवेश करते हैं, तो बताना है कि बी द्वारा निवेश की गई मंथ आपको मंथ की अवधि आपको बताना है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो हमें कितना दिया गया है? इन्वेस्टमेंट का हमें रेशियो दिया है ए और बी का 14:15 दिया गया है। ठीक है, और यहाँ से प्रॉफिट का रेशियो कितना दिया गया है? प्रॉफिट का रेशियो कितना दिया गया है? ये दिया गया है 2:5 दिया गया है। बी जो है क्या करता है? ए जो है कितना महीने के लिए? 3 महीने के लिए निवेश करता है, तो कितने हो गया? 14 14 42। अब हमें बताना है कि ए जो है कितने महीने के लिए, बी जो है कितने महीने के लिए इन्वेस्ट करेगा, ताकि जो रेशियो होगा प्रॉफिट का 2:5 का रेशियो। देखिए मेरे भाई, यहाँ से आप समझिए, क्वेश्चन मुश्किल से 10 सेकेंड का है। देखिए, हम 42 का जो रेशियो 2 कब आएगा? जब हम 21 गुना 2 करेंगे तो 42 होगा। ठीक है, 21 गुना 2 करेंगे तो 42 होगा, और 21 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 105। अगर हम यहाँ से 105 रखेंगे तो 2:5 यहाँ प्रॉफिट का रेशियो होगा। 105 कब आएगा? 15 में हम 5 से मल्टीप्लाई, 15 में जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 105। यानी कि हम कह सकते हैं कि बी का जो अवधि होगा निवेश करने का, वो कितना महीने का होगा? 7 महीने का होगा, और ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जब इसको काटेंगे 21 से, तो ये हो जाएगा 2:5 के रेशियो में। ये हुआ टाइम। तो आपको क्वेश्चन ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं आता है, ठीक है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है।